पदम प्राण के सरखंड में विविध तीर्थों की महिमा के वर्णन में युधिष्ठिर बोले, नारद जी, महर्षि विशिष्ट के बताए हुए अन्यान्य तीर्थों का जिनका नाम श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिए। तो नारद जी ने कहा, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अर्बुद पर्वत की यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था, वहां महर्षि विशिष्ट का आश्रम है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंगा तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गमों के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, ये विश्वविख्यात तीर्थ है। वहां साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। वो श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध में काकृचित होकर स्नान करने से मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य शास्त्र गौदान का फल पाता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवता के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित होकर 3 रात तक वहां निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वे चंद्रमा के समान कांतिमान होता और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य शास्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। तदंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक अद्भुत बात है, वहां के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता है और एकाग्रचित होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है। वे अपने तेज से दैदीप्यमान होकर वरुण लोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकु कर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। शंकु कर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तिमी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वे सब पापों को दूर करने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके देवताओं सहित रुद्र की पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ, तंत्र सबके द्वारा प्रशंसित वसुधारा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ, जो मानव वहां स्नान करके एकाग्रचित होकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां वसुओं का एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसुओं का प्रिय होता है तथा ब्रह्मतुंग नामक तीर्थ में जाकर पवित्र शुद्धचित्त पुण्य आत्मा तथा रजोगुण रहित पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वही रेणुका का तीर्थ है, जिसकी देवता भी सेवन करते हैं। वहां स्नान करके ब्रह्म चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तंत्र पंचनद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम तट स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी घर में नहीं आता तथा 1,00,000 गौदानों का फल प्राप्त करता है। गिरिकुंज नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पितामह को नमस्कार करने से शस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। इसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। कश्मीर में जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। उसका हृदय सब पापों को शुद्ध हो जाता है
तथा वे परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मलद नामक तीर्थ की यात्रा करें। राजन, वहां सायं संध्या के समय विधि पूर्वक आचमन करके जो अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वहां अग्नि को दिया हुआ चरु 100,000 गौदान, 1,000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसु यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से धीत क्षत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजसु और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शस्यायन तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ में प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है वह साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है, साथ ही उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। गुरुनंदन, जो कुमार कोटी नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता है और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न होता है, उसे 10,000 गौदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। महाराज, वहां से एकाग्रचित होकर रुद्रकोटि तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में करोड़ ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदंतर लोक विख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां सरस्वती नदी में परम पुण्य में भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। राजेंद्र, तंतर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए, उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। वहां से भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जो सतत नाम से प्रसिद्ध है जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु का दर्शन करता है वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात परिपल्लव में जाना चाहिए। वहां तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्निष्टोम अति रात्रि यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ से भी मनुष्य को शाल्मिकिनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां 10 अश्वमेघ घाट पर स्नान करने से ही भी वही फल प्राप्त होता है। तंत्र पंचनद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहें। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम वरा तीर्थ की यात्रा करें। वहां पूर्व काल में भगवान विष्णु वरा रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर जैनी में जाकर सोम तीर्थ में प्रवेश करें। मां स्नान करके मानव राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृत शोच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तथा जिसका शीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याण में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोक उद्धार नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वे पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारण बोध भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का उद्धार किया था। राजन, वहां पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है वे मानव 1,000 कपिला दान का फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता और मन को काबू में रखते हुए उपवास प्रायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्य लोक में जाता है। गोभवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। तदंतर
ब्रह्मवर्त की यात्रा करें। ब्रह्मावर्त में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। वहां से अन्यायन तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थ में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता है और ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। तंत्र शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीत वन में जाए। वहां बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वे दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहां एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहां तत्व चिंतन प्रायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण लोम अपनयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दस अश्वन नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानस तीर्थ की यात्रा करें। राजन, पूर्व काल में एक व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे। उसमें गोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानस तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, मानस तीर्थ से पूर्व दिशा में एक कोस की दूरी पर आपगार नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से सावा का बना हुआ भोजन दान देता है वे यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्म अनुस्वार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्तऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका दर्शन करता है वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध होने के कारण वह अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। राजन, शुक्ल पक्ष की दशमी को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाएं, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां वैतरणी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूलपाणि भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पाणिख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्व विख्यात मिश्रक में जाना चाहिए। निपश्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने दिजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। आज जो मिश्रिक में स्नान करता है वे मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। नरेश्वर, जो रिनांत कूप के पास जाकर वहां 1 सेर तिल का दान करता है वह ऋण से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। एहन और सुदिन ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मृग धूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूलपाणि का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णुपद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलम्पन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का 1 तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। राजन, सस्ती नदी में 1 श्रीकुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वरन का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है।
कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ से कार्तिकेय के मध्य पृथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ देवता और पितरों के पूजन से तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो जा जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किया होता है वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पित्र है वहाँ के तीर्थ, और उन तीर्थों में भी पावन है पृथुदक। पृथुदक तीर्थ में जप करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। राजन, श्री सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः पृथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। पृथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निसंदेह यही मेध्य पवित्र और पावन है। वही मधुपुर नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से शस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। नरश्रेष्ठ, वहाँ से सरस्वती और अन्ना के संगम में जो विश्वविख्यात तीर्थ है जाना चाहिए। वहाँ 3 रात तक उपवास करने करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ से भी पुरुष को अग्निष्टोमरति रात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माँ से शत सहस्त्र तथा सहस्त्रक इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहाँ देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान हैं। वहाँ उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहाँ की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का सेवन तथा शौच आदि नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार की यात्रा करें। ऐसा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है, ब्रह्मलोक को जाता है। महाराज, नारायण तथा पद्म नाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शवायमान रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शिव की भक्ति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं गंगा हरद नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। आपदा में स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्थानुवट तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो नियम प्रायण सत्यवादी पुरुष 1 रात्र नामक तीर्थ में जाकर 1 रात निवास करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजेंद्र, वहाँ से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ तेजो राशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। युधिष्ठिर, इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए।
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त होकर प्रतिवास प्रतिमास एकत्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ जलाशय कूप तथा पुण्य मंदिर हैं वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहाँ केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव शस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री तथा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नमेश्वरन पित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूली भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है, वह ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। राजन जो उसमें निवास करते हैं वे किसी तरह शौच के योग्य नहीं होते। त्रंडक से लेकर अरंडक तक तथा रामहरद परशुराम कुंड से लेकर मचक्रोकतक के भीतर का क्षेत्र समंतक पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है, इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। पद्म प्राण के सर्ग खंड में धर्म तीर्थ आदि की महिमा, जमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभ शुभ कर्मों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहां महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्र चित होकर वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक को जाता है। राजन, तत्पश्चात मानव सुगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें प्लक्षा देवी भी कहते हैं। उनमें जहां बल्मीक बांबी से जल निकला है वहां स्नान करे। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भारत, सुगंधा, शतकुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्वर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करें। वहां 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्ध भाग में रथ अवर्त नामक स्थान है, वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरी को नमस्कार करके गंगा द्वार हरिद्वार की यात्रा करें तथा महा एकाग्र चित होकर कोटि तीर्थ में स्नान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से शस्त्र गौदान का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रवर्त नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्ग लोक को जाता है। वहां से ललितिका में जो राजा शंतनु का उत्तम तीर्थ है जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। तत्पश्चात उत्तम कालंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता।
पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र काशी तथा सर नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह जमुना में स्नान करने से मिल जाती है। निष्काम या सकाम भाव से भी जो जमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार जमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण कर देता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलिंद कन्या जमुना सदा ही शुभ करनी है। जमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए जमुना के जल में स्नान करे। यदि जमुना स्नान का अवसर न मिला तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दंभ युक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाद पूर्वक किया गया शास्त्र अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मद्युक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपनी लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का सादा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, छह कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जप, अक्षत्रिय को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं वैसे ही जमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किस किए गए आर्द, शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को जमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है। राजन, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार जमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। जमुना किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की जमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई है, अन्यत्र की जमुना पुण्यमय तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली जमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती है। राजन, इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। पौर काल के सतयुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे, उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे, पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खांड, शक्कर आदि इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्याय उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावनियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार करवाई। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी।
नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पोसले बनवा दिए थे। राजन, प्राणों में जो जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उस धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए दैत्य के दो पुत्र हुए, उनके नाम थे श्रीकुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न होकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जब तरण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त होते, उनका आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसनों में आसक्त हो गए, धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं रह जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमारगामी हो गए। वे अधर्म में ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ किया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते थे। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हां में हां मिलाने वाले चापलूसी उनके संगी थे। उन्हें मध्य पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोगप्रायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मलों, चारणों तथा बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। उसर में डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दे दिया। सतपात्र को भी दान नहीं किया, ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पापनाशक भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें इतना दुख हुआ कि उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त स्वजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्हें चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों को एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पासों में बांधकर जमपुरी में ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरो, एक को तो दुस्सह पीड़ा वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्गलोक में, जहां उत्तम उत्तम भोग सुलभ हैं वहां पर उसको स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रता पूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर दौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूं। तुम वहां अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूं। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपा बताइए।
तो देवदूत कहने लगा, वैश्यवर सुनो, हरिमित्र के पुत्र सौमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। जमुना के दक्षिण किनारे उनका पुत्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कलंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ है, दो बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असीपत्र वन के पत्तों से उनके सारे अंग छिद जाएंगे। मुदगरों की मार से उसकी धजियां उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहते हुए अंगारों से भूना जाएगा। दूत की यह बात सुनकर विकंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत पुरुषों से सात पग साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूं। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरे को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं, वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपने जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीव और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चीत्कार करते हुए वे एक कल तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घ काल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि वह इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वैश्य प्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अवेदान कर दिया है, उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्ण आश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विश्व की ओर से निवृत्त हैं, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र प्रापन्न हैं, वे ब्राह्मण सरगामी होते हैं। शत्रुओं से गिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर है, जिनकी मृत्यु संग्राम में होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं तथा जो पंगु, अंध, बाल वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा वृद्धों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उसका उद्धार करते हैं, जो गमों को ग्रास अर्पण करते, गमों की सेवा शुरू में रहते तथा गमों की पीठ पर
तभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा, द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआ और पोखरे बनवाने आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहां जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान प्रायण कहते हैं। वैश्यवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पात की मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातःकाल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान नहीं करता, स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वे अपवित्र माना गया है, वे नरक भोगकर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे ना तो नरक में पड़ते हैं, ना किसी जीव नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे सपना, बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। विकुंडल, जो पृथ्वी, स्वर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद नहीं करने वाले, दूसरों के दोष नहीं देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं, जो दूसरों के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह परले काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मित्त आहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक नहीं करें, तीर्थ को कभी जीविका का साधन ना बनावें, तीर्थ में दान ना लें और वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है, तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों, वह भी नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव अर्थात धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, मनुष्य नरक में नहीं पड़ता, फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल धगत नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वे आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें लोगों के लिए आकाश में स्थित तारा में लोक हैं। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यम लोक का दर्शन नहीं करते,
वे पापी हों तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्म घाती को भी पवित्र कर देती हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे जाते हैं, वे तथा एक सहस्त्र गौदान, ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही उनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्र भाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ प्राय स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यात्रा में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी प्राय स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पार स्त्री सेवन का प्रत्याग करना चाहिए। प्राय स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरकों में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी का स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वे कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवर, शील से नारियों को उत्तम स्वर की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते, वेदों के अभ्यास में लगे रहते, प्राण संहिता को सुनते और पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं, तथा वेदांत की जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, उपयुक्त विषय के अभ्यास की महिमा से उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहां मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भाव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यम यम लोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। ये बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। जमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहते हैं कि तुम लोग वैष्णव को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार ये भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी तथा सदाचारी कैसे भी क्यों ना हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णव का संग प्राप्त हो, वे ही तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णव के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान जी के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया, जिससे मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर, जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और प्रयत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। अन्न के अभाव में उसका जल मांग कर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उनकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित
द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं उनका दर्शन करके ब्राह्मण गाति भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय सूर्य जल प्रतिमा तथा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान जी का पूजन करें। वे श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है मानो प्रतिदिन एक सहस्त्र राजसु यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उनके अग्रभाग में प्रकाशित होती है उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्र सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नरधम इस लोक में काम क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। वैश्य शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ दान यज्ञ और व्रतों के बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक गर्भवास तिरिग योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा गोदावरी और नर्मदा आदि जो जो मुक्ति दानी नदियां हैं वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहां शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं वहां संपूर्ण देवता यज्ञ एवं 14 भवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है उसके पितर 100 कल्पों तक द्यूलोक में तृप्त रहते हैं। जहां शालग्राम शिला रहती है वहां की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहां किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है उसने पर्वत वन और कानों सहित मानव समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है वे विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला वे सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का परले नहीं हो जाता तब तक वही बने रहते हैं। वैश्य अधिक कहने से क्या लाभ। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपने इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वे भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी सर्व पाप हरि श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग्र दोष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं वे शरणागत मनुष्य ना तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है वह विष्णु के लोक में नहीं जाता उसे महान नरक गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश किसी भी एकादशी का उपवास कर लेता है वह यम यातना में नहीं पड़ता। ये बात हमने महर्षि लोमश के मुख से सुनी है।
एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातालों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। हजार अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है वे सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। ये एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैश्य एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल मातृकुल तथा पत्नीकुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन वाणी शीत तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधिवत पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। वैश्य स्वर्गार्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसे शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र मनुष्य को भी पत्र, फल, फूल तथा जल आदि देकर अपने प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। वैश्य ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? तो वैश्य बोला, सौम्य आपकी बात सुनकर मेरा चित प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना तथा प्रिय वचन बोलना ये साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैश्य तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यहीं रहना करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, देवदूत वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है, पुण्य में मधुवन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और सिद्धाई में लगे रहते थे और तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनकी रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नव ग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिषमान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थ आश्रम धर्म अनुष्ठान में लगा रहता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, चित्तकाम, ध्यानकाष्ट और गुप अधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब पूर्ण भोगों से निष्प्रिय होकर चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब अशक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेरे पत्थर स्वर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शीर ढक लेते थे, जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे, जहां सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान जी का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे वात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्हें परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्ह में तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे।
वैश्य उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपयुक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्यदेह के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद होगी। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सबका अभिनंदन करते हुए कहा, महान भाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न है। मैं स्नात और पित्र हो गया। आज मैं, मेरे घर तथा मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएं धन्य हैं, मेरा शास्त्र अध्ययन धन्य है, धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पान पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन फूल अक्षत धूप दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में असमर्थ हूं। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अतः सबके परम पूज्य उनका संग महान पापों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करे तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्वास करने वाला सन्यासी एक रात ग्रस के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदत्त की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने दोनों पर पुष्पों की वृष्टा करते हुए उनका पूजन किया तथा दोनों भाई स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर दोनों ने सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्य पुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वे भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वे शोक रहित होकर सस्त्र गौदान का फल प्राप्त करेगा।